गुड मॉर्निंग। आज अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। इसमें देखो क्या है, पहला क्वेश्चन है अपना 2 sin 45 degree cos 45 degree। तो ये कैसे होगा, इसके लिए अपन क्या करते हैं, पहले एक त्रिकोणमितीय सारणी बना देते हैं वापस। यहाँ पे देखो साइन कॉस थीटा और टेन थीटा, इसमें क्या क्या मानते हैं, पहला अपना 0 degree, फिर 30 degree, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन जीरो कितना था, 0, 1/2, 1/√2, 3/2 और 1, ऐसे कैसे। कॉस के मान 1/√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। टेन का क्या था, दोनों का भाग देना है, तो दोनों का भाग देंगे अपन तो 0/1, 0, फिर 2 से 2 कट गया, पीछे बचा 1/√3, फिर ये पूरा कट गया, पीछे आया 1, यहाँ पे 2 से 2 गया √3, 1/0 हो गया अनंत। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, 2 sin 45 degree cos 45 degree, ये कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 sin 45 degree cos 45 degree। अब देखो सारणी में साइन 45 डिग्री का मान कितना, 1/√2, और कॉस 45 का मान भी 1/√2, अपन दोनों रख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 into sin 45 1/√2, और कॉस 45 क्या था, 1/√2, 1/√2। अब आप सब जानते हो कि अंडर रूट में अगर समान संख्याएं आ जाती है तो क्या होता है कि दोनों गुणा कराएंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, 2 into 1/√2 कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 से 2 कट गया, पीछे कितना बचा, पीछे बचा 1, 1। तो ये अपना आंसर। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कॉस 45 कॉस 60 माइनस साइन 45 साइन 60। सेकंड क्वेश्चन में एक नोट कर लेता हूं, कॉस 45 कॉस 60 माइनस साइन 45 साइन 60। अब देखो कॉस 45 कॉस 60 क्या क्या मान दे रखे हैं, 45 का 1/√2 और 60 का दे रखा है 1/2। अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं अपन, तो क्या आ जाएगा, कॉस 45 कॉस 60, देखो यहाँ पे 1/√2 गुणा कॉस 60 का मान कितना, 1/2, ये आ गया अपना 1/2। माइनस में साइन 45, साइन 45 का मान कितना दिया हुआ है, 1/√2 और साइन 60 का मान दिया हुआ है 3/2, ये आ गया अपना 1/√2 into √3/2। अब इन दोनों को गुणा करके एलसीएम लेंगे, तो यहाँ गुणा करते हैं इन दोनों को, क्या आ जाएगा, 1 into 1, 1, 2 into √2, 2 under √2। माइनस यहाँ पे 1 into √3 कितना हुआ, √3, और 2 into √2, 2 under √2। ठीक है, अब बात करते हैं देखो इन दोनों के हर की, दोनों हर समान है तो अपन क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे अपन, तो क्या आ जाएगा, 2 under √2। अब देखो 2 under √2 का भाग 2 under √2 में कितनी बार, एक बार, एक को एक से गुणा किया कितना आ गया, 1। माइनस 2 under √2 का भाग 2 under √2 में एक बार, 1 into √3 कितना हुआ, √3, तो यहाँ पे कितना आ गया, √3। अब देखो अपना उत्तर क्या आ गया, 1 minus √3/2 under √2। अपन सब जानते हैं कि हर में कभी भी अंडर रूट अपन नहीं रखते, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर करते हैं परिमेयकरण। तो अपन लिख देते हैं हर का परिमेयकरण करने पर
हर का अपन परिमेयकरण करेंगे तो क्या आएगा, देखो अंडर रूट दो से ऊपर और नीचे गुणा करना है अपन को, तो यहां पे क्या बनेगा, एक माइनस अंडर रूट तीन बटा दो अंडर रूट दो गुणा में क्या आ जाएगा, अंश और हर में अंडर रूट वाली संख्या से गुणा करना है। तो अपन यहां क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट दो बटा अंडर रूट दो। अब देखो एक माइनस अंडर रूट तीन, इस पूरे को गुणा करना है अंडर रूट दो से, और नीचे अंडर रूट दो से अंडर रूट दो को गुणा करना है, तो क्या आ जाएगा, यहां पे एक इंटू रूट दो, इसको मैं बाहर ब्रैकेट में ही लिख देता हूं, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट दो एक माइनस अंडर रूट तीन, बट्टे में कितना आ रहा है, देखो रूट दो इंटू रूट दो कितना हो गया दो, दो गुणा दो कितना हो गया चार, तो ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या दिया हुआ है, एक सेकंड, ये आ गया अपना क्वेश्चन नंबर थ्री, इसमें दिया है साइन स्क्वायर 30, ये आ गया अपना साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखो साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 होता है अपना 1/2, तो ये आ गया 1/2, ऊपर कितना स्क्वायर, तो अपन क्या करेंगे 1/2 का स्क्वायर प्लस 2, ये 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो कॉस 45 कितना 1/√2, इसका होल स्क्वायर आ गया, फिर 3 टेन स्क्वायर 60, तो ये अपना प्लस का 3, टेन 60 की वैल्यू क्या थी √3, तो यहां पे आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1/2 का स्क्वायर किया कितना आ गया 1/4, फिर प्लस में 2 गुणा 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा, पीछे क्या बचेगा 1/2, ऐसे कैसे, यहां पे देखो तीन अंडर रूट तीन का स्क्वायर कितना 3, तो ये हो गया प्लस का 3 गुणा 3। अब 2 से 2 कट रहा है तो अपन इसको काट देते हैं, 2 से 2 कट गया, पीछे क्या बचा 1/4 प्लस का, यहां पर पूरा कितना आ जाएगा, जहां पे अंश और हर कटते हैं वहां पे क्या आएगा 1 बचेगा, तो ये आ गया अपना 1 प्लस में कितना 3 दिया 9 प्लस 1 कितना हो गया 9 प्लस 1 हो गया अपना 10, और फिर लस अपन ले लेते हैं अपन, तो यहां पे क्या आएगा 1/4 प्लस 10। अब यहां पे अपन लेते हैं LCM, LCM लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 10 के बट्टे में कितना 1 और 1 के बट्टे में 4, तो यहां अपन क्या लिखेंगे 4 और 1 में लस अपन क्या आएगा LCM आएगा इसका 4। अब 4 का भाग 4 में कितनी बार, 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को किससे गुणा करना है 1 से, तो 1 गुणा 1 कितना हुआ, ये हो गया अपने 1 प्लस 1 का भाग 4 में कितनी बार 4 बार, 4 को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 को 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 40, मैं अभी यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये आ गया आपने 40, 40 प्लस 1 41, 41/4, ये अपना आंसर 41/4 आया, समझ में।
अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर चार की। तो इसमें क्या होगा, देखो क्वेश्चन नंबर चार में दे रखा है 3 sin 60 - 4 sin³ 60। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं पहले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर क्या आ जाएगा, 3 sin 60 - 4 sin³ 60 degree। ठीक है, अब देखो साइन 60 का मान कितना, अंडर रूट 3/2। तो यहां पे अपन लिख देते हैं 3 into √3/2, फिर माइनस का कितना आ जाएगा 4 into sin 60 का cube √3/2 का whole cube, कितना हो जाएगा 3 √3 को 3 बार गुणा करेंगे, तो √3 into √3 into √3 कितना आएगा। देखो दो अंडर रूट वाली संख्याओं को, समान संख्याओं को गुणा करते हैं तो वो अंडर रूट हट जाता है, तो ये पीछे बचेगा 3, 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 3 √3। और 2 का आपस में 3 बार गुणा करना है, 2 × 2 × 2 कितना हुआ, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। तो अपन यहां लिख देते हैं 3 × √3 कितना, 3 √3/2 में कितना 2, माइनस यहां पे देखो 4, गुणा में कितना आ जाएगा, √3 का क्यूब कितना था 3 √3, 2 का क्यूब कितना हो गया था 2 × 2 = 4 × 2 = 8। अब क्या करें, 4 का भाग 8 में जा रहा है, 4 × 4 = 8, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा अपना 3 √3/2 माइनस का 3 √3/2। देखो 3 √3/2 में से 3 √3/2 पूरे कैंसिल हो गए, पीछे कितना बचा 0, यहां पे कितना आ जाएगा 0, ये अपना आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, (5 cos²60 + 4 sec²30 degree - 10²45 degree) डिवाइड में कितना, डिवाइड में दे रखा है (sin²30 + cos²30 degree). ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, दिखने में भिन्न जैसा कुछ बड़ा दिख रहा है लेकिन है बहुत सिंपल क्वेश्चन। ये (sin²30 + cos²30 degree) एक हो जाएगा, लेकिन वो अपन सातवीं प्रश्नावली में सूत्र पढ़ेंगे इसका, तो उस टाइम आपको बताऊंगा वापस। यहां पे देखो 5, पहले मैं बट्टा बना देता हूं बड़ा वाला, ये आ गया अपना बड़ा वाला डिवाइड 5। cos 60 का मान कितना, cos 60 कितना होता है 1/2, 1/2 प्लस 4, sec 30 कितना हो जाएगा 2/√3, 2/√3 माइनस 10²45 degree, 10 45 का मान होता है 1, और इन सब का स्क्वायर है, ये स्क्वायर या 1/2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, बट्टे में क्या रहेगा (sin²30 degree), ये हो गया 1/2 का होल स्क्वायर प्लस (cos²30 degree) कितना हो गया (√3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4, यहां पर ऐसे लिख सकते हैं 5 × 1/4 प्लस यहां पे कितना 4 × 2/√3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का 3, फिर माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1,
अब बट्टे में क्या, एक बटा दो का स्क्वायर एक बटा चार, और अंडर रूट तीन बटा दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट तीन का हो गया अपने तीन और दो का हो गया चार। ठीक है, अब गुणा करके लिख देते हैं ऊपर, पाँच गुणा एक ये हो गया पाँच बटे चार, चार चौक सोलह, सोलह बटे तीन माइनस का एक, बट्टे में देखो अपन सब जानते हैं एक चौथाई और तीन चौथाई मिलके कितना बनाता है, एक बनाता है। एलसीएम लेते हैं अपन यहाँ पे कितना, चार, यहाँ पे कितना आ जाएगा चार, चार में चार का भाग एक बार, एक को एक से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा एक, प्लस चार का भाग चार में फिर से कितना एक बार, एक को तीन से गुणा किया कितना आया तीन, अब तीन प्लस एक कितना हुआ, तीन प्लस एक हो गया अपने चार, और ऊपर अपन एलसीएम ले लेते हैं चार और तीन, एलसीएम कितना आएगा लस अप आएगा अपने बारह, ये ऊपर बन गया अपने बारह, बट्टे में क्या दे रखा था तीन प्लस एक चार बट्टे चार। अब देखो बारह में चार का भाग कितनी बार, तीन बार, तीन इंटू पाँच कितना हो गया पंद्रह, ऐसे कैसे तीन का भाग बारह में कितनी बार, तीन चौक बारह चार बार, तो चार को किससे गुणा करना है सोलह से माइनस, अब एक के बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या होगा एक होगा, एक का भाग बारह में कितनी बार बारह बार, बारह गुणा एक कितना हो गया बारह। ठीक है, अब ये देखो ये हर वाली भिन्न, चार से चार कट गया, पीछे कितना बचेगा, पीछे बचेगा अपने एक, तो अब इसे नीचे वाले को लिखने की जरूरत नहीं है, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो ये बट्टे में कितना आ गया बारह, पंद्रह तिया पैंतालीस, ये आ गया अपना पैंतालीस, प्लस सोलह चौक चौंसठ, और यहाँ पे माइनस का बारह। अब क्या करें इसको सॉल्व करते हैं, साठ और चालीस हो गए सौ, सौ प्लस पाँच एक सौ पाँच, एक सौ पाँच और चार एक सौ नौ, एक सौ नौ में से बारह को माइनस कर दो, एक सौ नौ में से बारह माइनस किए पीछे कितने बचे, देखो एक सौ नौ में से बारह गए पीछे बचे अपने 97, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, 109 में से देखो 9 में से दो गए सात, 10 में से एक गया 9, तो ये आ गया अपना 97 डिवाइड में बट्टे में कितना 12, ये अपना आंसर रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की।